नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खंड विकास कार्यालय राजगढ़ में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता विधायक रीना कश्यप ने की। खंड विकास कार्यालय राजगढ़ के सभागार में आयोजित इस सम्मान समारोह में बोलते हुए विधायक रीना कश्यप ने कहा कि कोरोना काल में राजगढ़ विकास खंड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके कार्य किया है। होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए दवा उपलब्ध करना, फोन पर उनका हालचाल पूछ उनका मनोबल बढ़ाना, होम आइसोलेशन किटों का वितरण, रोगियों की पहचान और उनकी सूचना एकत्रीकरण, कोरोना से मौत होने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मृतक के अंतिम संस्कार तक का कार्य खंड विकास कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। विधायक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे कोरोना काल के दौरान राजगढ़ के किसी भी क्षेत्र से कोई शिकायत सामने नहीं आई और कोरोना का कम असर देखने को मिला। हिमाचल से हमारे संवाददाता गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट। साथ ये कि आज जब लोगों के बीच के कोरोना काल में जब बीमारी इतनी भयंकर हो गई थी कि हमारा पूरा विश्व, हमारा प्रदेश, हमारा जो अपने अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो कोरोना केस इतने अधिक हो गए थे कि एक समय तो ऐसा आ गया था कि बहुत हमें सभी को जो डर महसूस हो रहा था। मगर इस बीच में जो आप सभी ने, जो आपकी पूरी टीम ने यहाँ पर जो वर्क किया अपने पूरे क्षेत्र में, सभी वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके परिवार के लिए जो जिस प्रकार के हर प्रकार के जो प्रबंध किए गए उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और मैं कहना चाहूंगी ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति की शिकायत मैं भी विधायक हूँ मुझ तक नहीं पहुंची है क्योंकि मैं भी लगातार फोन पे कॉन्टेक्ट में थी। जो कोरोना पेशेंट थे मैं उनसे फोन करके उनके हालचाल पूछ रही थी। उनको कह रही थी क्या आपको हर प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध है, आपको जो किटें मिली थी क्या आपको मिल चुकी है, आशा वर्कर आपके पास आपके पास सभी सुविधाएं आपके पास पहुंचने की नहीं पहुंची। हर प्रकार से वो संतुष्ट थे और खासकर जो आपकी यहां से जो टीम वर्क आपने आपकी सभी टीम वर्क का जो कार्य था इतना जबरदस्त कार्य था तो आज आपको सम्मानित करने का तो अवश्य ही बनता था। और मुझे मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा आज लग रहा है जो आपने जो वर्क इस कोरोना काल में किया उसमें आपको शाबाशी तो जरूर मिलनी चाहिए थी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो शाबाशी आपको मिली है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मुझे मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि कोरोना काल में जब हमने उस पेशेंट के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने कोरोना पॉजिटिव परिवारों को विधायिका मैम को देना चाहता हूँ कि लीडरशिप में हमारा ब्लॉक जो है बहुत आगे जा रहा है और इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी हम इस महामारी से भी लड़ेंगे क्योंकि थर्ड वेव आ रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा फुल एसओपीज जो है वो फॉलो हो पंचायतों में क्योंकि आप लोग सबसे इंटेग्रल पार्ट है। जैसे मैंने पहले भी बताया जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है मैम, अगर पंचायत में जो घोटाले पागल हो रहे हैं तो हमारी टीम आती है सबसे पहले। एनी वेयर हस्बेंड्री वाले तो बाहर नहीं पहुंचेंगे। इतना इम्पोर्टेंट रोल जो है वी प्ले। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि गण को। आज आप यहाँ आए, हमारी टीम को प्रोत्साहन दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैम आपकी परीक्षाओं पे हमारा ब्लॉग हमारी टीम खड़ा उतरेगा। धन्यवाद। जय सिरमौर। जय हिंद।